हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैडम भिकाई जी कामा सो आज हम डिस्कस करेंगे मैडम भिकाई जी कामा के बारे में सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो मैडम भिकाजी कामा इज आल्सो नोन एज भिखाई जी रुस्तम कामा और मैडम कामा यानी कि मैडम भिखाजी कामा थे उनको सभी लोग भिखाई रुस्तम कामा और मैडम कामा के नाम से जानते थे शी वाज बोर्न ऑन 24 सितंबर ट्यूसडे इन 1861 इन बॉम्बे नाउ मुंबई यानी कि मैडम भीखाई जी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे यानी कि नाव मुंबई में हुआ था फादर नेम सौरभ जी फराराम जी पटेल मधर नेम जय सौरा पटेल कामाकेटेडांडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन बॉम्बे यानी कि मैडम कामा ने कहा से शिक्षा प्राप्त की थी एलेक्सांडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन बॉम्बे से बिलोंग्स टू पारसी जोरोस्ट्रियन एंसियन पर्शियन रीजन फैमिली मीन मैडम भिखाई जी का तो किस फैमिली से बिलोंग करती थी पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी सी वॉज द प्रोमिनट पर्सनैलिटी इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि मैडम भिखाई जी का जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि भारतीय स्वतंत्र संग्राम में उनकी महत्व की भूमिका थी प्रोमिनेंट यानी कि प्रमुख कह सकते हो और महत्वपूर्ण मैडम कामा वाज मैरिड ऑन 3rd ऑगस्ट 1885 टू तो अ वेल्थी लॉयर यानी कि मैडम कामा के जो मैरिड यानी कि शादी हुई थी वो कब हुई थी थर्ड टू अ वेल्थी लॉयर यानी कि एक धनवान वकील के साथ उनकी शादी हुई थी मैडम कामास हस्बैंड वॉस रुस्तम कामा सन ऑफ के आर कामा यानी कि मैडम भिखाई जी कामा का हस्बैंड का नाम था रुस्तम कामा जो कि वो किसके सन थे के आर कामा के आर कामा, कामा थे, थे। मैडम कामा मैरिज वॉज नॉट सक्सेसफुल एज पर हर हजब सपोर्ट ब्रिटिश कल्चर यानी कि मैडम कामा का जो मैरिज था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था क्यों क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश कल्चर को यानी कि अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे मैडम मैडम कामा कामा ट्रू नेशनलिस्ट, जो जो कि Kama, जो क्या थी एक सच्ची राष्ट्रवादी थी सी वेंट इंग्लैंड एंड केम इन टू कॉन्टेक्ट विथ रिवोल्यूशनरीज मैडम का माँ जो थी वो इंग्लैंड गई थी और वहाँ पे किस किन के कॉन्टेक्ट में आई थी रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारियों के कांटेक्ट में आई थी सी वॉज पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन 1907 जीरो सेवन इन स्टूअर्ट जर्मनी यानी कि मैडम भिखाई जी कामा ने पार्टिसिपेट किया था किसमें इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इन 1907 में जो कि कहां पे हुआ था गार्ड जर्मनी में सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू होस्ट द फ्लेग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन स्टूअर्ट यानी कि जो मैडम भिखाई जी काम आती वो फर्स्ट इंडियन होस्ट यानी कि फहराना फ्लैग को जो फहराते हैं ना उनको बोलेंगे फ्लैग ऑफ इंडियन नेशन यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का झंडा को उन्होंने क्या किया था लहराया था इन स्टूअर्ट सो भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लहराने वाली वो प्रथम भारतीय बनी थी फ्लैग had eight लोटस रिप्रेजेंटिंग एट इंडियन प्रोविजन यानी कि जो जो उन्होंने जो झंडा फहराया था उस झंडे में क्या था एट लॉटस थे तो यहाँ पे इस इमेज में आप देखिए यहाँ पे एट लॉटस आपको दिख रहे हैं राइट तो so, वो एट लोटस क्या रिप्रेजेंट करते थे एट इंडियन प्रोविजन प्रोविजन्स यानी कि प्रांत एंड असन हिंदुजम यानी कि जो यहाँ पे सन दिख रहा है

एज ऑफ सेवेंटी फोर यानी कि 74 फोर की एज में उनका निधन हुआ था जो कि कौन सी डेट पे हुआ था अगस्त को जो कि कहाँ पे हुआ था पारसी जनरल हॉस्पिटल बॉम्बे में प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू